तो हेलो मिस्टीरियस बुक मेंबर्स, मैं हूं आपका दोस्त मोनू एंड वेलकम इन मिस्टीरियस बुक चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊंगा राज कॉमिक्स के बारे में। इनका 3D एनिमेशन प्रोमो आ गया है दोस्तों, प्रलय का देवता कॉमिक्स का, और इसमें नागराज काफी जोरदार लग रहा है। जैसा कि आप सबको पता है, हम खुद राज कॉमिक्स के बहुत बड़े फैन है दोस्तों। हमारे व्लॉग चैनल पे आपने हमारा कॉमिक्स कलेक्शन भी देखा होगा, जहाँ हमारे पास कई रेयर कॉमिक्स थे। पर इस बार राज कॉमिक्स वालों ने काफी बढ़िया काम किया है। उन्होंने एनिमेशन वाला या जो 3D प्रोमो बनाया है अपने आने वाले कॉमिक्स प्रलय का देवता का, यह एक नंबर का है दोस्तों। और जरूर जो कॉमिक्स है वह भी काफी बढ़िया होगा। तुलसी जो सुपर हीरो है दोस्तों, वह तुलसी कॉमिक्स का था। अब इसके सारे राइट्स जो संजय गुप्ता सर हैं राज कॉमिक्स के, उन्होंने ले लिए हैं। और इस कॉमिक्स में तुलसी और नागराज का आमना सामना हो रहा है दोस्तों। एक तगड़ी भिड़ंत होने वाली है इस कॉमिक्स में। तुलसी पर राज कॉमिक्स द्वारा यह जो दो कॉमिक्स बनाई गई थी, अभी काफी बढ़िया थी। अब प्रलय का देवता आ रहा है दोस्तों, जहां पर नागराज और तुलसी के बीच फाइट होने वाली है। मुझे इस कॉमिक्स का इंतजार है। आप सभी लोगों को अगर यह 3D एनिमेशन वाला पूरा प्रोमो देखना है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाके चेक जरूर कीजिए और उनके चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। राज कॉमिक्स के सुपर हीरोज पर हमने एक विशेष वीडियो पहले भी आपके लिए बनाया था। अभी तक वह वीडियो नहीं देखा तो जाके उसे भी चेक कर सकते हैं दोस्तों। WWE प्रो रेसलिंग जगत की बहुत ही बड़ी कंपनी है। यहाँ कई रेसलर्स आए और गए। मैच के दौरान खिलाड़ी को हार या जीत नसीब होती है, और उसकी हार जीत से उसके रिकॉर्ड पे बहुत ही बड़ा फर्क पड़ता है। कुछ टाइम पहले हमने आपको WWE इतिहास के सबसे ज्यादा मैच हारने वाले रेसलर्स के बारे में बताया था, जहां आपकी तरफ से हमें काफी अच्छा सपोर्ट दिया गया और कुछ लोगों ने हमें यह सलाह दी कि WWE इतिहास के सबसे ज्यादा मैच जीतने वाले रेसलर्स के बारे में भी बताइए। तो आज के इस खास अंक में हम आपको WWE इतिहास के 5 सबसे ज्यादा मैच जीतने वाले रेसलर्स के बारे में बताने वाले हैं। मगर आज का अंक शुरू करने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल मिस्टीरियस बुक को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लें। तो देर किस बात की, सीधे खोलते हैं मिस्टीरियस बुक को और जानते हैं उन रेसलर्स के बारे में। नंबर 5 पर बात करें तो वो हैं सोन माइकल्स। WWE हॉल ऑफ फेमर सोन माइकल्स ने 1774 मैच खेले थे अपने WWE कार्यकाल में, और इन्होंने जीते हैं 1224 मैच, जिस वजह से यह नंबर 5 पे आते हैं दोस्तों। और इन्होंने अपने रिटायरमेंट की घोषणा की थी साल 2010 में, जब यह अंडरटेकर के साथ मैच को हार गए थे रेसलमानिया 26 में। और इसके बाद साल 2018 में हुए क्राउन ज्वेल के दौरान यह दोबारा आए थे। वर्तमान में यह ट्रेनर की भूमिका निभा रहे हैं NXT में। नंबर 4 पर बात करें तो हैं ब्रेट हार्ट। ब्रेट हार्ट ने अपने WWE कार्यकाल में 2141 मैच लड़े थे, जिसमें से वह 1469 मैच जीते हैं। ब्रेट हार्ट को हॉल ऑफ फेम में शामिल कर लिया गया था साल 2006 में, और हार्ट फाउंडेशन के चलते साल 2019 में इन्हें फिर से एक बार और हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। नंबर 3 पर बात करें तो है द बिग रेड मशीन केन। केन ने अपने WWE कार्यकाल के दौरान 2813 मैच लड़े, जिसमें से उन्होंने जीते 1497 मैच। 1497 मैच जीतने की वजह से केन तीसरे नंबर पे आते हैं। नंबर 2, डेडमैन अंडरटेकर। मौत के सौदागर डेडमैन अंडरटेकर 3 दशकों से भी ज्यादा समय से WWE में राज कर रहे हैं। सर्वाइवर सीरीज 1990 में डेब्यू करने वाले अंडरटेकर ने WWE में 2186 मैच लड़े हैं, जिसमें से डेडमैन ने 1697 मैच जीते हैं। मौत के सौदागर WWE इतिहास के सबसे ज्यादा मैच जीतने वाले रेसलर्स की सूची में नंबर 2 पर आते हैं। नंबर 1, जॉन सीना। 16 बार के वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना ने अपने WWE कार्यकाल के दौरान 2180 मैच लड़े, जिसमें से उन्होंने जीते 1731 मैच। और जॉन सीना WWE इतिहास के ऐसे रेसलर हैं दोस्तों, जिन्होंने सबसे ज्यादा मैच जीते हुए हैं। तो ये थे दोस्तों WWE इतिहास के 5 सबसे ज्यादा मैच जीतने वाले रेसलर्स की सूची। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। जल्द मिलते हैं, तब तक रखिए अपना ख्याल। मैं मोनू लेता हूँ आप सभी से विदा। नमस्कार।